Good morning, students. This is Rashmi Singh from B.S. Rao Public School, and today I am going to continue with the geography chapter, the Earth and the Solar System. Basically, बच्चों को class किस point पे है? Sun पे. मैंने sun से related आपको सारे points बताए हैं, और आज की class पूरा का पूरा solar system की हमारी lecture है. Solar system में sun की दो point miss हो गई थी. आप जब sun को देखते हैं, जो आपको brightening part दिखता है, जो जैसे ये sun, जो आपको यहाँ आज दिख रहा है. जो पार्ट आपको मतलब विजिबल है जो आपको दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं फोटोस्फीयर क्या कहते हैं फोटोस्फीयर देखिए आपको वो का पॉइंट दिया हुआ है द ब्रिलियंट डिस्क ऑफ द सन दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ जो आपको अर्थ से दिखता है यहाँ का सन है इसका जो पार्ट जो ब्राइट डिस्क आपको यहाँ दिखता है उसे क्या कहते हैं फोटोस्फीयर और एक पॉइंट क्या मिस हो गया था ग्रेविटेशनल पुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेविटेशनल ये सारे मेंबर्स जो हैं सोलर सिस्टम में ये अपनी अपनी जगह पर रोटेट कर रहे हैं मतलब ये ऐसे नहीं कि यहाँ चला रहा है वहाँ चले जा रहे हैं जुपिटर का मन हुआ चले गए सैटर्न के पास सैटर्न का मन हुआ नेपच्यून के पास आ गए ऐसा कुछ नहीं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये सारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं यहाँ जितने सारे प्लैनेट्स हैं ये एक दूसरे से घिरे हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द पैराग्राफ ऑफ प्लैनेट्स देखिए प्लैनेट्स से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं ये यहाँ पे मैंने लिखा ना तो आप क्लियर है आपको प्लैनेट्स देयर आर एट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम एट देखिए मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून कितने प्लैनेट्स हैं इसी में आपसे पूछा कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं कितने बनेंगे एट देयर आर एट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एट प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर टू द इन ऑर्डर फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द सन अगर सन के साइड से इनका ऑर्डर चेक किया जाए तो सबसे नजदीक कौन सा है मर्क्यूरी कौन है मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बाद वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून ये मैंने इसलिए कहा कि जब हम एक क्वेश्चन दिया था पूछ रहे कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताइए कि सन से मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले क्या आप देखेंगे मर्क्यूरी सन के सबसे नजदीक कौन है मर्क्यूरी उसके बाद वीनस अर्थ मार्स जुपिटर तो ऐसे करके अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछा गया कि सन के बाद किसके कौन सा प्लैनेट है उसके बाद कौन सा है तो आप ऐसे बोल सकते नेक्स्ट पूछा है एट प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग साइज क्या बोला गया है डिक्रीजिंग साइज डिक्रीजिंग साइज अगर आप उसको देख रहे होंगे देन क्या बताया जा सकता है कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है जुपिटर अगर हम डिग्री साइज के अकॉर्डिंग करें तो सबसे लार्जेस्ट हो गया जुपिटर फिर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून ये हम साइज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं डिक्रीजिंग साइज घटते हुए क्रम में सबसे घटते हुए डिक्रीजिंग क्या करते हैं सबसे बड़ा होगा सबसे पहले लिखते हैं तो जुपिटर लार्जेस्ट बस सैटर्न यूरेनस नेपच्यून और आपका फिफ्थ प्लैनेट कौन सा होगा अर्थ कौन सा प्लैनेट है अर्थ फिफ्थ आपका अर्थ हो गया सिक्स हो गया वीनस सेवन मार्स एट आपका मर्क्यूरी देखिए क्लियर हुआ अगर पूछा गया कि सन के ऐसे मतलब सन की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताइए कि सन के बाद कौन से प्लैनेट्स पड़ेंगे तो आप क्या बताएंगे मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून और अगर उन्होंने पूछ लिया कि डिक्रीजिंग साइज साइज के घटते हुए क्रम में बताइए तो आप क्या बताएंगे सबसे पहले लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है जुपिटर सेकेंड सैटर्न थर्ड यूरेनस फोर्थ नेपच्यून फिफ्थ अर्थ सिक्स वीनस सेवन मार्स और आपका मर्क्यूरी एट सबसे छोटा प्लैनेट सबसे
बॉडीज होती हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेवेनली बॉडी।
has a future if there is cloud in our heavenly bodies. We can say it because we need it and light. Nahi hoti hai, we spirit practical hai, we practical hai sun ki. Aur sun ki reflection ki wajah se inko light wahan se available hoti hai. They all revolve around the sun in elliptical order. Is order mein record karte hain sun ki. Ab ye sab log sun ki chakkar laga rahe hain na. Ye sab sun ke ऑर्डर आपको क्लियर हो गया है। अब हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे क्या समझने के लिए,